एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई रेसिपी जो है बाजरा और लौकी का मिला के उसकी रोटी। तो रोटी बनाएं, पराठा बनाएं, जो भी आप बनाना चाहें। मेरे पास एक लौकी रखा था तो मैंने कल ये ट्राई किया और मुझे बहुत टेस्टी लगा। मैंने सोचा अपने व्यूअर्स को भी दिखाऊं। ये देखिए, एक कप मैंने बाजरा ले लिया है, एक हरी मिर्च को बारीक काट लिया है, एक चम्मच ग्रेटेड अदरक ले लिया है, आधा चम्मच अजवाइन लिया है, नमक स्वाद के अनुसार है, और 1/4 के करीब, ये 1/4 कप के करीब कटी हुई मेथी है। आप कम ज्यादा कर सकते हैं। गुनगुना पानी है आटा लगाने के लिए, वो हम देखेंगे हमें जरूरत पड़ेगी कि नहीं। और ये है लौकी एक छोटा सा, जिसको हम अभी ग्रेट कर लेंगे। मैंने छील लिया है और इसको मैं ग्रेट करती हूँ। तो ये देखिए, एक कप आटा है ये, और इसमें ये मैं लौकी आपको कस के दिखाऊं, ये भी करीब एक कप ही है, जो बारीक हमने थोड़ा सा लौकी कस लिया है वो भी ये एक कप के करीब ही है। हम इसको डाल देंगे और अगर हमें लगेगा तो हम आटा और ज्यादा मिक्स कर लेंगे। तो पहले हम इन सब चीजों को मिक्स करेंगे, तब हम पानी का देखेंगे कि हमें डालना है कि नहीं। और मैं आपको यहां बताऊं, मैंने लौकी को निचोड़ा नहीं है, मैं उसी पानी में उसको गूंथ रही हूं, ये देखिए। और वेट लॉस में भी ये आप खा सकते हैं, क्योंकि आटा बहुत कम है और लौकी ज्यादा है, और लौकी वेट बढ़ाता नहीं है। हम इसमें ऑयल यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसको पहले अच्छे से हम ऐसे इकट्ठा करेंगे। जितना पानी इसमें होगा एक बार मसल के देखेंगे, ये देखिए। और आप इस तरह से जरूर बनाइए। आजकल लौकी अवेलेबल नहीं है, कम है, बट कुछ जगह जहां बहुत ज्यादा सर्दी नहीं पड़ रही है, कम है, वहां लौकी है और अवेलेबल है, तो आप ऐसे करके बनाइए। अब हम लेंगे थोड़ा सा पानी, हमने देखा इसमें जरूरत है, बहुत थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसको फिर मिक्स करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये बाइंड होना शुरू हो जाएगा ऐसे। इसी तरह से अब हम इधर ले लेंगे और इसमें हम ये पानी डालेंगे थोड़ा सा। इसमें मैं गेहूं का आटा नहीं मिला रही हूं। मैंने जैसे मक्की की आपको रोटी बनानी बताई है प्लास्टिक पर, उसी तरह आप इसको भी बना सकते हैं। और ये देखिए, अब हमारा ये बाइंड होना शुरू हो गया है। अब हम इसको ऐसे करके चिकना करेंगे, मथलेंगे। देखिए, ना ज्यादा हमें सख्त रखना है, ना ज्यादा हमें सॉफ्ट करना है। और 2-3 मिनट हम इसको अच्छे से ऐसे मथेंगे। मैंने आपको दिखा दिया, इस टाइप से आप इसको मथेंगे। देखिए, सारा इकट्ठा होना शुरू हो गया है और अब आप इसको चिकना करेंगे। ये देखिए, आटा जो है बहुत अच्छे से लग गया है। अब हमें इसे रखना नहीं है, हम हाथ को साफ कर लेते हैं अपने और इसकी रोटी बनाते हैं। हल्का सा हम हाथ पर पानी लगाएंगे, हाथ को हमने अच्छे से साफ कर लिया है। इसकी तोड़ेंगे लोई और इसको ऐसे गोल करेंगे। देखिए, थोड़ा सा हाथ से ऐसे दबाएंगे और इस तरह से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। जो हाथ से बना सकते हैं वो ऐसे बनाएं, छोटी छोटी रोटी। ये देखिए, बन गई ना, बहुत अच्छी। और जो वैसे प्लास्टिक से बना सकते हैं तो उनको प्लास्टिक का बताते हैं। तो अब हमने तवा गर्म होने रख दिया है और इस पे डालेंगे हम थोड़ा सा सूखा आटा, ताकि जो रोटी है जो हम बना रहे हैं वो चिपके नहीं। और रोटी को ऐसे डाल देंगे, गैस को सिम रखेंगे, इसको सिकने देंगे। तो हम जो रोटी है वो चेक कर लेते हैं। ये देखिए, बहुत अच्छे से इसके निशान पड़ गए हैं और अब हम इधर से भी इसको अच्छे से सिकने देंगे। रोटी अंदर से कच्ची नहीं रहनी चाहिए, इसलिए आपको इसको सिम गैस पर बहुत अच्छे से सेकना है। तब तक मैं आपको दूसरी रोटी बताती हूँ कैसे बनानी है। हमने इस पे प्लास्टिक पर ऑयल लगा लिया है और इसको लोई को ऐसे रख लिया है। अब हम इसको ऐसे, ये बी लिखा हुआ है मैंने बाहर की तरफ है मार्कर से, तो आप ये मत सोचिएगा क्योंकि इसमें बाजरे का आटा था। तो ये अब हम इसको ऐसे फैला लेंगे, कोई ढक्कन से काटने की जरूरत नहीं है, आपकी रोटी गोल आएगी। और फिर जरा सा किनारे तो फटे हुए होते हैं, तो ये मक्की की रोटी और बाजरे की रोटी की पहचान है। ये आप थोड़ी सी पतली बना सकते हैं और आप देखिए, और ये देखिए, है ना बढ़िया सी रोटी, कितनी अच्छी बन गई है। तो जरा हमारी वो रोटी सिक जाए, तब तक हम इसको ऐसे ही रखा रहने देते हैं और इसको चेक करते हैं।
मैं ये लोहे के तवे पे बना रही हूँ, आप चाहें तो इसको नॉन स्टिक पर बना सकते हैं, ये देखिए। पर मैं इसको और थोड़ी देर मंदी आंच पे दोनों तरफ से सिकने दूंगी ताकि रोटी जो है वो अंदर से कच्ची ना रहे। तो देखिए बहुत अच्छे से ये रोटी जो है वो सिक रही है और हमने काफी टाइम इसको लगा दिया है। मैं आटा पोंछ देती हूँ, काफी टाइम इसमें लगाया है। और एक और तरीका है, देखिए इसको रोटी को हम इधर जितनी कच्ची रोटी बनाएंगे वो हम ऐसे कपड़े पे रखते जाएंगे। और मैं आपको यहां बता दूं, आप ये सुबह बनाकर रख लीजिए और दोपहर में जब कोई आने वाला है तो तवे पे थोड़ी देर गर्म कीजिए और फिर गर्मा गर्म आप बना सकते हैं, यानी आपका टाइम भी नहीं लगेगा और रोटियां भी आपकी ऑलरेडी तैयार रहेंगी। ये मैं रोटी जो है इस पे से ऐसे उतार रही हूँ देखिए और इसको डाल रही हूँ। तो मैं आपको ये दिखाऊंगी सेक कर, ऐसे आप इकट्ठा कर सकते हैं। इसी तरह से मैं सारी रोटियां बना लूंगी, इसको सिकने की इंतजार करते हैं। इसी तरह से हमने ये रोटी भी बना ली है, तो अब हम रोटी को पलट लेते हैं और बहुत आसानी से देखिए पलटी जा रही है। ये तो क्योंकि हमने इस पे ऑयल लगाया है और इसको बेला है तो इस ऑलरेडी चिपकी नहीं है, और गैस को बिल्कुल आप तवा गर्म होने के बाद धीमा रखेंगे तो ऐसे बन जाएगी। तो हम पहले सारी रोटियां सेकते हैं कच्ची, फिर आपको बताते हैं सेककर। रोटी सिकते हुए टाइम हो गया है, ये देखिए बहुत ही बढ़िया रोटी बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट जो है वो आप तक पहुंचती रहे। ये हमने एक और रोटी डाल दी है। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो तो मैं आपको कच्ची रोटियां सेकने के बाद मिलती हूँ। तो ये देखिए हमारी इतने आटे में दो दो चार पांच छह और एक ये सात रोटी बनकर तैयार है। सात रोटी बन गई हैं और इनको ये रखने की ट्रिक है कि आप इनको कैसरोल में बंद करके नहीं रखेंगे। अगर थोड़ी देर में एक कपड़ा फैलाकर साफ जो रोटी का होता है रोटी रखने का उस पर ऐसे रख देंगे ताकि वो ठंडी रहेंगी, और इसको दूसरी बार से ऐसे ढक के रख देंगे। फिर जो भी आता रहे उसको आप खिलाते रहिए गरम गरम, और आपको उस समय मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो अब हमने एक रोटी को ऑलरेडी तवे पर रखा है, जब आप दोबारा रोटी सेकेंगे तो उसको फिर से आपको तवे पे अच्छे से गर्म करना है। जब तवे पे वो अच्छे से पच जाए, गर्म हो जाए, फिर तवे से उसको उतारिए और रोटी को ऐसे सेक लीजिए। क्योंकि हमने ये वेट लॉस रोटी कहा है तो इसलिए हम इसका पराठा नहीं बना रहे हैं, हमने इसमें घी वगैरह नहीं लगाया है। और इसमें लौकी है, बाजरा है, और आपको पता होगा कि मिलेट जो है सभी अनाजों में बेस्ट माना जाता है खाने के लिए, और विंटर का टाइम है तो जरूर खाइए। इसको हम ऐसे गैस को सिम पर उलटते पलटते हुए चारों तरफ से सेक लेंगे, और डायबिटीज वालों के लिए भी ये बहुत अच्छा है क्योंकि वीट खाने के लिए जैसे मना करते हैं, कम कहते हैं, तो बाजरा और लौकी जो है वो बहुत बढ़िया है। इसमें घी रखकर आप ऊपर से जितना कम ज्यादा आप रखना चाहें उतना घी रखकर आप खा सकते हैं। रोटी ऑलरेडी हमारी तवे पे बहुत अच्छे से पक गई थी, अब आपको जितनी क्रिस्पी करनी है उतनी, जैसा आप खाना चाहते हैं उतनी क्रिस्पी करें और खाएं। ये देखिए बन गई ना बढ़िया रोटी। अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूं घी और इसकी कर रही हूं प्लेटिंग। और ये देखिए इस पर रखेंगे हम देसी घी और बहुत ही उम्दा टेस्टी रोटी बनकर जो है वो तैयार है। ऐसे ही हम इस रोटी को भी सेक लेंगे। देखिए पीछे से हमने इसको अच्छे से क्रिस्पी कर लिया है, कच्चा रहने का कहीं कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो अब हम इसको इधर से सेक लेंगे। और रोटी देखिए बड़े बर्नर के साइज की है, यानी जितनी बड़ी पूरी होती है उतनी बड़ी रोटी है। वैसे भी वेट लॉस के समय कहते हैं कि अगर आप थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो आपका पेट जल्दी से भरेगा। चबाइए खाइए। अभी मैं दो ही सेक रही हूं, जब मैं दोबारा बनाऊंगी तो फिर से वो सेक लूंगी, यानी मुझे दोबारा कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपकी हेल्पर आने से पहले आप ये कर सकते हैं और तैयार करके रख सकते हैं। ये देखिए सेक गई, तो करते हैं प्लेटिंग। ये है दही का रायता और ये है हमारी क्रिस्पी रोटी। सुन रहे हैं आप आवाज, देसी घी में बनी हुई क्रिस्पी रोटी बहुत अच्छी है, जरूर खाइएगा बनाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी। और ये हरे धनिए की तीखी वाली चटनी है, इसके साथ खाके इंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।